यूएनएस के विश्व धरोहर स्थल खजुराहो में राग बसंत की लय पर 1484 कथक नृत्य साधकों के थिरकते कदमों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड रच दिया। हाथों में दीपक लेकर जब लय और ताल के साथ घुंघरू साधकों के कदम मिले, तब भारतीय संस्कृति और परंपरा एक साथ मुस्कुरा उठी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़ा की ताल और नृतकों के घुंघरों की झंकार ने 50वें खजुराहो नृत्य समारोह की ऐतिहासिक उपलब्धि को यादगार बना दिया। मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण भारत में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का पर्व मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में भगवान नटराज महादेव को समर्पित साधना की यह उपलब्धि भारतीय संस्कृति का गौरव बना भावी पीढ़ी का मार्गदर्शन करेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा, प्रदेश के विभिन्न शहरों में आए नृत्य गुरुओं और नृत्य नृत्यांगनाओं को कीर्तिमान रचने पर बधाई और शुभकामनाएं दी। नृतक नृत्यांगनाओं ने 20 मिनट की प्रस्तुति को राग बसंत में निभ कर प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की उपलब्धि को विशेष बनाते हुए खजुराहो में देश के पहले जनजाति और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि गुरुकुल में जनजातीय और ग्रामीण समुदाय की पारंपरिक कलाओं, मसलन शिल्प, नृत्य, गायन, वादन, चित्र और उनके मौखिक साहित्य को वरिष्ठ गुरुओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। इस गुरुकुल की परिकल्पना इस तरह से होगी जहां ग्रामीण जनजीवन में उनके समग्र विकास के साथ पारंपरिक हुनर और देशक ज्ञान पद्धतियों को संरक्षण मिलेगा, साथ ही पूर्वजों की विरासत को भी विस्तार मिलेगा। नृत्य का महाकुंभ जब आपने आयोजित किया है तो ये विरासत आदिकाल से अलग प्रकार की थी और हम उम्मीद करते हैं आज के काल में यहाँ पर एक ऐसा गुरुकुल बनाया जाएगा जहाँ कला, संगीत, साहित्य, नृत्य सभी प्रकार की कलाओं का संयोजन करते हुए स्थायी रूप से उस गुरुकुल में सभी योग्य सुयोग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से गुरु अब हमने तो कुलपतियों का नाम भी बदल दिया सरकार ने, उनको भी कहा कि कुलपति नहीं कुलगुरु कहा जाएगा, तो उस कुलगुरु की उपस्थिति में आपके इस संस्थान में सभी प्रकार की कलाओं का, क्योंकि हमारे यहाँ तो माना गया है कि 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण और 4 वेद, अगर ये हम सारा दूर से संयोजित करते तो शिक्षा का इतना विस्तृत हमारा अतीत है। ऐसे में ये 64 कलाओं की विभिन्न कलाओं के माध्यम से संसार हमसे परिचय पाए, संसार में हम उनका एक तरह से ज्ञान ज्योति फैलाएं। मेरी अपनी ओर से उस गुरुकुल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं।